नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋकेश और स्वागत करता हूं बाला टेक्निकल चैनल में। और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं यूपी फ्री लैपटॉप योजना से जुड़ी एक बहुत बड़ी अपडेट के बारे में। बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है कि जो भी बच्चे टेबलेट का फॉर्म भर के अपने कॉलेज में जमा कर चुके हैं, उनको जो डिस्ट्रीब्यूशन है जिसकी मंजूरी मिल चुकी है, तो जो भी बीए बीएससी बीकॉम या बीएड की पढ़ाई कर रहे हैं उनका जो लिस्ट है वो जारी हो चुका है। तो किन किन ईयर के छात्रों का पहली बार सूची जारी हो चुका है और आपका नंबर किस दिन है, लिस्ट में आप कैसे नाम चेक कर सकते हैं और कैसे विद्यालय वाले इस डाटा को वेरीफाई कर रहे हैं, तो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेरिफिकेशन आप स्टूडेंट फॉर टेबलेट एंड स्मार्टफोन का ये एक लिंक एक्टिव हुआ है। तो इस लिंक को जैसे ही नोडल अधिकारी क्लिक करेंगे, यानी जो भी विद्यालय का नोडल अधिकारी है वही इस डाटा को वेरीफाई कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद क्लिक करने के बाद इस तरह का एक मेनू खुल के आएगा जिसमें आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबलेट आपके स्मार्टफोन डाटा वेरिफिकेशन, यहाँ पे कोर्स है, जो भी कोर्स आपके विद्यालय में पढ़ाया जा रहा है उन सारे कोर्स का नाम इसमें ऐड है। यानी सेकेंड ईयर आप यहाँ पे देख सकते हैं बीए सेकेंड ईयर, बीए थर्ड ईयर, यानी जो भी सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर के पढ़ाई कर रहे हैं उन सभी छात्रों का ये सूची है जो जारी हो चुका है। तो मैं अभी एक एक क्लिक करके दिखाने वाला हूँ कि आपको ट्रस्ट हो सके, यानी आपको जो भी सेकेंड ईयर में पढ़ाई कर रहे हैं उन सारे छात्रों का नाम मिलेगा इसमें, और जो भी फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रहे हैं उनका ये जो भी डाटा है उसका सूची जारी नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पे एक सेक्शन को क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक सेक्शन को क्लिक कर लिया, उसके बाद यहाँ पे मैं सर्च करा लेता हूँ। तो सर्च कराने के बाद आप देख सकते हैं सारे बच्चों का इसमें नाम आ चुका है, जो भी बच्चे का डाटा वेरीफाई हो चुका है उनका नाम इस सूची में आ चुका है। तो इस तरह डाटा जिसका वेरीफाई हो चुका है उसका ग्रीन हो चुका है, अब जिनका डाटा वेरीफाई नहीं हुआ है उनका ग्रीन नहीं है। तो यहाँ पे एक देख सकते हैं कि ये जो है एक नाम है, इसका डाटा वेरीफाई नहीं हुआ है। तो इसको वेरीफाई कैसे किया जाता है, ये कौन करेगा? तो जो इसको वेरीफाई करने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले व्यू एंड वेरीफाई पे क्लिक करना होगा। तो जैसे यहाँ पे व्यू एंड वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपका कुछ यहाँ पे एक एक्टिव होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक ड्रॉप डाउन आया है, इसमें आपको विद्यालय में जो भी आप फॉर्म जमा कर चुके हैं तो आप इस काम को नहीं कर सकते हैं, जो भी विद्यालय का नोडल अधिकारी है इस फॉर्म को वही भर सकता है, तो यहाँ पे वेरीफाई वही कर सकता है। तो वहाँ पे आपका जो आधार नंबर है वो डालेगा, उसके बाद यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर उस फॉर्म में भरे हैं उस मोबाइल नंबर को डालना होगा, उसके बाद यहाँ पे आपका जो पोस्टल एड्रेस है, आपका विलेज क्या है, पोस्ट क्या है, उसके बाद यहाँ पे पिन कोड, उसके बाद यहाँ पे तहसील, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे आपका ईमेल आईडी। तो आप यहाँ पे अपना उस ईमेल आईडी को डालना होगा। तो आप यहाँ पे अपने ईमेल आईडी को डाल के आप विद्यालय जाके इस डाटा को वेरीफाई करा सकते हैं। ये दोस्तों था प्रोसीजर कि कैसे वेरीफाई हो रहा है। दोस्तों ये डाटा जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद आपका जो सूची है वो पब्लिकली जारी हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर।